केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। एमिनो एसिड्स यूनिट पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, उसमें नेक्स्ट मेथड देखिएगा कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस, कूप संश्लेषण क्या होता है? अल्फा कीटो एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, अल्फा कीटो एसिड्स की रिएक्शन, अल्फा कीटो एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? अमोनिया के साथ। तो क्या बनेगा इससे, एमिनो एसिड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अल्फा कीटो एसिड्स जस्ट लाइक CH3COOCH, इसकी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ। अमोनिया को ये लिया हमने, तो दूसरा नाम है पाइल्यूरिक एसिड। देखिएगा क्या निकल जाएगा, यहां से O, यहां से H2, H2 का निमोशन हो जाएगा माइनस H2 और ये बनेगा CH3C(O)NHCO। ठीक है, ये बन गया। आगे कराते हैं इसका रिडक्शंस। अप चेन पैलेडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन से बनेगा CH3CH NH2 NaOH। दिस इज नोन एज एमिनो एसिड। ये क्या नाम है इसका? एलानिन नाम है इसका, एलानिन। दिस इज एमिनो एसिड एलानिन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखिएगा। नेक्स्ट मेथड का क्या नाम है? दारास्की संश्लेषण, दारास्की सिंथेसिस। नेक्स्ट मेथड का नाम है दारास्की सिंथेसिस। देखिएगा क्या नाम है नेक्स्ट मेथड का, नाम दारास्की सिंथेसिस में एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं, एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस करवाएंगे साइनो एस्टर, साइनो एस्टर के साथ। दिस इज एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? RCH(CN)COOO(CH5) बन जाएगा। अगली स्थिति में देखिएगा, इसका करा दिए रिडक्शंस। इसकी प्रेजेंस में निकल की प्रेजेंस इसका करा दिए रिडक्शंस। तो जैसे रिडक्शन होगा सी डबल बॉन्ड्स का, ये बनेगा RCH2CH CN COO CH5। ठीक है, आगे रिएक्शन कराएंगे इसकी हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे लिखा अपन ने? H NH और ये क्या हो जाएगा? NH2। तो यहां से क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा माइनस C2H5OH निकल गया और बनेगा RCH2CH COO NH2 और ये क्या बनेगा? NH। ठीक है, ये बन गया इसके साथ। आगे देखिएगा, इसको गर्म कर दीजिएगा HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड HNO2। इसको हमने ऐसे लिखा है HONOO। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा यहां से बताइए? यहां से H निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? O। यहां से H2O निकलेगा और यहां से क्या निकल जाएगा? ये तो माइनस 2S2 और ये कंपाउंड बनेगा RCH2CH COO N3N sin H। ठीक है, आगे इसको कीजिएगा गर्म। गर्म करेंगे तो यहां से सॉल्यूशन जाएगा नाइट्रोजन का, ये निकल जाएगा नाइट्रोजन और बनेगा RCH2CH COON नाइट्रीन इंटरमीडिएट। ठीक है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है ये। आगे इसमें होता है रीअरेंजमेंट, ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोगों ने। रिएक्शन पढ़ी है कर्टियस रीअरेंजमेंट। कौन सी रिएक्शन पढ़ी है? कर्टियस। इसमें रीअरेंजमेंट होता है कर्टियस। कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा, ये सब किधर होगा? और ये पूरा बॉन्ड, ये पूरा सिर्फ कहां पर हो जाएगा? दिस पे। इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी RCH2CH CN एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O।
एंड बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ प्लस रिएक्शन करवाएंगे। इसकी रिएक्शन कराइए आगे सी टू एच ऑफ ओएच के साथ, सी टू एच ऑफ ओएच के साथ, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये जो एच होगा ना, ये एच ये कहां चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास, और ये ग्रुप कहां चल जाएगा, इसके पास। देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगी, आर सी एच टू सी एच सी एन एन एच एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच, ठीक है, हो गया यहां तक। आगे देखिएगा, आगे कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस से बनेगा आर सी एच टू सी एच सी ओ ओ एच एन एन एच सी एच, ये बना। आगे इसको कर दीजिए गरम, गरम करने पर CO2 का रिएक्शन हो जाएगा माइनस CO2, CO2। इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, एमिनो एसिड आर सी एस टू सी एच सी ओ एच, दिस इज नोन एज एमिनो एसिड। ये मेथड कौन सा था हमारा, डाराब्स्की सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखिएगा, नेक्स्ट मेथड है हाइड्रेटोन सिंथेसिस। हाइड्रेटोन सिंथेसिस नेक्स्ट मेथड का नाम है हाइड्रेटोन सिंथेसिस। हाइड्रेटोन सिंथेसिस क्या होता है, एंडोल थ्री एल्डिहाइड की रिएक्शन, एंडोल एंडोल थ्री एल्डिहाइड की रिएक्शंस की रिएक्शंस करवाते हैं हाइड्रेटोन के साथ। किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रेटोन के साथ। तो यहां से क्या निकल जाएगा, एस टू माइनस एस टू, और इसको जोड़ दीजिएगा सी एच डबल बॉन्ड सी सी ओ एन एच एन एच सी ओ, ठीक है। आगे कराते इसका रिडक्शंस, सोडियम और अमलगम की प्रश्न क्या कराते हैं इसका बेटा जी, रिडक्शंस। इस ग्रुप का रिडक्शन तो जाएगा यहां पर क्या बनेगा इसमें रिडक्शन से, देखिएगा सी एस टू सी एच एन एच सी ओ एन एच सी ओ। आगे एस सी एल की प्रेजेंस में इसका कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। CH2 CH COOH और क्या बन जाएगा, दिस इज एंडोल एनालिन। ये कौन सा मेथड है अपना, हाइड्रेटोन सिंथेसिस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मेथड है अलन मियर अजलेक्टॉन सिंथेसिस। अलग मियर अजलेक्टॉन सिंथेसिस नेक्स्ट मेथड का नाम है देखिएगा पेंजलडिएट सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या नाम है पेंजलडिएट की रिएक्शन करवाएंगे ह्यूपुरिक एसिड के साथ। ह्यूपुरिक एसिड
एस टू सी एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे कैसे लिखा है? देखिए हिपिरिक एसिड होता क्या है, ये होता है CH2COOH। इसका नाम सुना आप लोगों ने, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। इस ग्लाइसिन में से यहां से एक एच हटाइए और जोड़ दीजिए COCCH2। दिस इज नोन एज ए हिपुरिक एसिड। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिखा है समझाने के लिए। ये हिपुरिक एसिड है जिसको हमने किस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है समझाने की दृष्टि से। देखिएगा इसको गर्म करेंगे सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, देखिए क्या होगा, एक एस टू का लिमिनेशन यहां से हो जाएगा, एस टू यहां से हो जाएगा, कितने मोल ऑफ एस टू निकलेंगे, 2 मोल्स ऑफ एस टू। क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CO NC डबल बॉन्ड। देखिए बेटा ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। आगे इसकी रिएक्शन का करते क्या है, 1% NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है, तो ये बॉन्ड अगेन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी C6H5CH डबल बॉन्ड CNH C डबल बॉन्ड O C6H5 और इधर क्या बनेगा, COO। ठीक है, आगे करा दीजिए इसका रिडक्शंस। सोडियम अमलगम के प्रदेश में इसका रिडक्शन करवाएंगे, इस ग्रुप का रिडक्शन तो जाएगा, ये बनेगा C6H5 C6H5 CH2 CH COOH NH COOO CCH2। ठीक है, आगे रिएक्शन करवा दीजिए इसकी HCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HCl के साथ, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये और यहां से ये क्या निकल जाएगा, माइनस C6H5COCl और बाकी को सबको जोड़ के लिख दीजिएगा C6H5CH2CH NH2COOH। इसका नाम क्या होगा, दिस इज नोन एज ए फेनिल एनालिन। ये कौन है, एमिनो एसिड। तो हमने ये सब क्या पढ़ी है, दीज आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमिनो एसिड्स। थैंक यू।